गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्रांड न्यू सीरीज में, जो है हमारी आर्क इटर्नल। यस गाइस, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए आर्क इटर्नल की ब्रांड न्यू सीरीज लेके वापस से आ चुका है। और आज का आर्क इटर्नल का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले, जो नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो चलो गाइस, बिना किसी देरी के आज का ये वाला जो एपिसोड है वो कर देते यहाँ पे शुरू और मचा डालते एकदम उल्टो तबाही ना मेरे भाई। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे आज के एपिसोड में सबसे पहले तो बेसिक से जो हमारे टूल्स है गाइस एफएमक्यू वाले, वो सबसे पहले बनाने वाले, ठीक है। मैंने सारे के सारे इनग्राम जो है गाइस वो अनलॉक करके पहले से यहाँ पे रख दिए हैं। सारे के सारे ए टू जेड इनग्राम जो है गाइस वो अभी हमारे यहाँ पे अनलॉक्ड है। अभी पहले तो मैं गाइस यहाँ पे बेसिक से जो टूल्स होते हैं वो यहाँ पे फटाफट से बना लेता हूँ, फिर हमारी टेमिंग शेमिंग ना चालू हो जाएगी। मैं यहाँ पे फटाफट से, मैंने एक और सामने की तरफ ना अभी जस्ट स्पॉन लिया, तो मुझे सामने कोई तो शाइन ऑन दिखी क्या, रुको एक बार देखने। तो यहाँ पे मैंने स्पॉन इधर लिया था ना, मुझे इधर कहीं पे एक शाइन ऑन दी, वो रही गाइज, ये रही देखो, यहाँ पे गई शाइन ऑन है भाई। लेकिन भाई एक नहीं, यहाँ पे दो दो शाइन ऑन है भाई, इनको तो पकड़ना है मुझे। लेकिन भाई इनको टेम करने के लिए क्या फूड खिलाना है वो पहले मुझे देखना पड़ेगा। रुकना, मैं एक काम करता हूँ, टॉर्च बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, उसके बाद ये बनाता हूँ। मुझे एक हत्याकांड भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि हम लोग को थोड़ा हाइड वगैरह जो है गाइज वो मिल सके। एफएमके वाले क्लोथ जो है गाइज वो बना के पहले पहन लेता हूँ, और जो अपनी बेसिक सी स्किन्स है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। ये यहाँ पे, ये भाई वुल्फ वाला मास्क यहाँ पे, एंड काम 25 भाई, ठीक है लेट्स गो। ये शाइन ऑन किस चीज़ से डेम होगी, रुको मैं इसके नज़दीक जाके देखता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ होगा टेमिंग फूड भाई, फूड टेमिंग फूड इन लास्ट स्लॉट लिखा हुआ है, मतलब ये हम लोग को बताएंगे नहीं कि ये शाइन ऑन कौन सी चीज़ से यहाँ पे डेम होती है। चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पे डोडो वगैरह भी दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे भी। मुझे एक हाथ जो है ना डोडो वगैरह को मारना पड़ेगा, ताकि हम लोग को हाइड वगैरह जो है ना कहीं वो मिल सके। उसकी मदद से हम लोग बनाएंगे यहाँ पे पैराशूट, और जाके क्रिस्टल पैराशूट की मदद से हम लोग लेके आएंगे। और मारो, काम हो जाएगा ऑटर भाई, अगर मैं इसको मछली खिला दूँ तो काम हो जाएगा क्या भाई? भाई तू रुक, मुझे पता है मछलियाँ कहाँ पे भाई। अगर ये ऑटर मैंने टेम कर लिया तो कितना मजा आएगा भाई, मजे ही मजे भाई। मुझे पता है ऑटर तो मछली खाता है, इतना मुझे पता है, कोई भी हो। हाँ, कुछ ऐसे ऑटर्स होते हैं जिनको टेमिंग फूड वगैरह खिलाना पड़ता है, जितनी ज़्यादा बड़ी मछली होगी उतने ज़्यादा जल्दी वो टेम होगा। मैं यहाँ से मछली को मारता हूँ और उस ऑटर के पास लेके जा रहा होगा इस, ठीक है। यहाँ पे मछलियाँ होगी भाई, भर भर के इस पॉइंट के अंदर। हाँ भाई, बड़ी वाली मछली चाहिए मेरे को, हाँ ये वाली बड़ी मछली है, बड़ी वाली मछली भाई। छोटी मछलियाँ हमारा ऑटर नहीं खाएगा, 0.1.9 वाली ना, हाँ ये वाली चाहिए। आई नीड दिस मछली, मेरे को ये मछली चाहिए, हटो जल्दी यहाँ से हटो भाई। ये बड़ी वाली मछली मेरे को चाहिए भाई, मेरे को ये बड़ी वाली मछली किसी भी कीमत पे चाहिए। मेरे को बता नहीं गाइस, मुझे ये बड़ी वाली मछली चाहिए ही चाहिए, ठीक है ठीक है। 107 गाइस इसका जो मीट था वो मैंने ले लिया। कितना टाइम है अबे, दो मिनट में इसको नीचे कैसे लेके जाऊंगा यार? बड़ी मछली तो मिल चुकी है, बट ऑर्डर के पास मुझे इसको 2 मिनट के अंदर लेके जाना है, और उसको फटाफट से भाई खिलाना भी है भाई। वहाँ पे डिलोफोसोरस है, एक चमन सा डिलोफोसोरस है वहाँ पे। यहाँ से इस मछली को अगर मैं नीचे फेंक दूँ तो नीचे ना जा रही है, बट वहाँ से एक वो है ना भाई, चोमूसा डिलो, उसने अगर मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो उसने देखा नहीं है, मैं मछली देख रहा, मेरे से ज़्यादा बड़ी मछली लेके जा रहा हूँ। मेरे पास समय कितना है, डिकम्पोजिंग 38 मिनट, अभी तो 2 मिनट दिखाई दे रहा था, अभी 38 मिनट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसको हाथ में पकड़ के उस ऑटर के पास लेके जाता हूँ। यार वो ऑटर पानी में ना गया हो, हट यार, चला गया क्या पानी में, गया क्या वो ऑटर भाई? कहाँ पे वो ऑटर गाइस? यार पान बुरा भाई, रुक जा भाई, और ज्यादा गहराई में मत जा, ठीक है। मैं आ रहा हूँ तेरे लिए, मछली इतनी बड़ी मछली लेके आ रहा हूँ, तू डायरेक्टली मेरे से टेमी हो जाए भाई, ठीक है। देख भाई उतने दूर से मछली लेके आया, तेरे लिए खा ले भाई, खा लियो, ठीक है। खा ली, ठूस तो ली इसने,
मैं 50% शायद से टेम हो चुका है। रुको मैं एक और मछली लेके आता हूँ गाइस। गाइस हो जाएगा, काम हो जाएगा, पहले एपिसोड में ही हम लोग एक ओपी सा ऑटर जो है गाइस वो टेम कर लेंगे भाई। मजे ही मजे आ जाएगी गाइस, मजे आ जाएंगे गाइस। बाकी ना फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने करा नहीं है तो। किसका इंतजार कर रहे हो यार, कर दो भाई लोग। चलो मैं फटाफट से ना एक और मछली यहाँ से लेके आता हूँ। मुझे पता नहीं गाइस वो कौन से क्लास का ऑटर है, मतलब उसकी टायर क्या है। बड़ो मछली से टेम हो रहा है तो मैं भाई उसको टेम कर रहा हूँ। एक और बड़ी मछली चाहिए भाई, छोटे मोटे मछलियों को भाई खिला के कुछ नहीं होने वाला हमारा। बड़ी मछली है यहाँ पे कहीं पे। वन से ज़्यादा स्केल चाहिए भाई। इसकी स्केल कितनी है, 1.1 की है क्या, और ये कितनी की है, 0.9। ये 1.1 स्केल वाली है, इससे बड़ी वाली नहीं है क्या, 1.23 वाली, 0.9, 1.2, 1.2 वाली है अरे। ठीक है 1.2 वाली मछली को मैं लेके जा रहा हूँ। जितनी ज़्यादा बड़ी मछली की स्केल होती है ना उतना ज़्यादा भाई टेम हो जाता है भाई अपना जो डायनो होगा वो, लाइक अपना ऑटर अपन टेम कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा बड़ी मछली इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी टेम होगा। मुझे लग रहा है ये वाली मछली उसको खिलाऊंगा ना वो डायरेक्टली टेम हो जाएगा। और यहाँ पे डिलोपोसोरस है भाई, डिलो से तो थोड़ा मैं दूर ही रहूंगा अभी फिलहाल के लिए। मुझे जाके ऑटर को टेम करना है, वो ऑटर एक बार बस मुझे मिल जाए भाई, उसके ऊपर बैठ के आराम से ऊपर जाऊँगा, क्रिस्टल वगैरह तोड़ के लेके आऊँगा, मजे मजे करेंगे गाइस एकदम फुल टू। भाई रुक जाओ, मुझे थोड़ा धीरे धीरे से जाना, ये मछली कहीं पर अटक ना जाए। 1.1 स्केल की मछली लेके जा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ वो ऑटर हवाई पे गोल गोल घूम रहा है रिंगा रिंगा रोजेस करके, उसको जाके भाई मछली खिलाता हूँ और फटाफट से जो ना गाइस उसको टेम कर लेता हूँ मैं। ठीक है लेट्स गो गाइस, आराम आराम से जा रहा हूँ। मछली की साइज जो ना गाइस अगर सीधा खड़ी खरीद दी जाए ना इस मछली को तो मेरे से ज़्यादा बड़ी मछली है। देखना भाई इतनी ज़्यादा बड़ी मछली लेके जा रहा हूँ मैं भाई, हाथ में पकड़ के देखो, ये देखो, ये देखो कैसे कैसे हाथ में पकड़ के लेके जा रहा हूँ भाई इतनी बड़ी मछली। ये मछली नहीं मछला है गाइस, ये आ गया हमारा ऑटर, इसको मुझे फीड करना है। प्लीज भाई ये मछली खा के टेम हो जा, मैं एक और मछली नहीं लेके आ सकता इतने दूर से, समझ ले ऑटर, समझ ले। ओ यस लेट्स गो बॉयज, इटर्नल ऑटर बिठा ले। आहा वेरी जिया, लेट्स गो। इसका टायर पता नहीं लेकिन लेवल 900 है भाई, 900 लेवल भाई। हेल्थ बाप रे बाबरी बाबा, वेरी वेरी डेंजरस डायनो टेम कर लिया मैंने भाई। 4 लाख का डैमेज जा रहा है, ये क्या टेम कर लिया मैंने भाई, ये क्या टेम कर लिया भाई। रुक जाओ, ओए ये इन स्टेगो, ओए ये तो अपना वो स्टेगो है, रुको 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 भाई, ये दे दियो, ये दे दियो भाई, ये वो स्टेगो जो हम लोग को अनलिमिटेड रिसोर्सेज देगा भाई, काम 25 हो जाएगा हमारा भाई। इसको मारना नहीं, इसको मारना नहीं, रुकना मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से ना पहले तो पहाड़ी के ऊपर जाता हूँ। भाई ये स्किन्स वगैरह क्यों यहाँ पे इतनी सारी, इनको डालू, कॉस्ट्यूम विस्ट्यूम्स को मैं फेंक देता हूँ। एंड एक मिनट, मुझे कुछ तो करना था, पैराशूट बनाता हूँ। पैराशूट के लिए मुझे भाई इन्होंने हाइड, ओ ऑटरू तो हाइड जमा नहीं कर रहा है क्या उनको मार के, मुझे लग रहा है हमारा ऑटर जो है ना गाइस उनको मार के हाइट जमा नहीं कर रहा। मैंने कुछ ज़्यादा ही हाई टायर वाला ऑटर पकड़ लिया है गाइस, ठीक है बहुत ज़्यादा हाई टायर वाला, मतलब इतना हाई टायर वाला पकड़ लिया है ना क्या बताओ मैं आपको, इसलिए इसका डैमेज 4 लाख में जा रहा है, वरना इतना डैमेज जो ना तो जाएगा नहीं भाई। देखो ये डायनो को मारने से वो स्पॉन हो गया वहाँ पे। अबे यार मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे मुझे भाई थोड़ा भाई एक लो, ये यहाँ पे एक और स्टेगो भी स्पॉन हो गया, काम मत ना ऑटर। अरे ऑटर तू, ओ हाइड, ऑटर के अंदर हाइड है ना भाई, क्या यार मैं भी। चलो पैराशूट बन गया, मैं भी क्रिस्टल लेके आता हूँ फटाफट से भाई, इसकी लेवल अप करूंगा मैं भाई। कितने सारे डायनो स्पॉन हो रहे हैं, नॉर्मल डायनो को मारेंगे ना तो इटर्नल वाले डायनो स्पॉन हो जाते हैं। जो स्टेगो स्पॉन हुआ है ना इसको हमको टेम करना है, शायद से हम लोग अगले एपिसोड में इसको टेम शेम करेंगे। अभी के लिए हमारा मेन मिशन जो है गाइस वो यहाँ पे छोटू सा नन्ना सा घर बनाना, बाकी गाइस सिर्फ ऑटर का लुक देखना है। ये देखो हमारा सफेदी की दुकान भाई, छोटू सा क्यूट सा ऑटर, और ये देखो किसी को, और क्या कर सकता है तू, ओ ब्लैक वो सिली का फल दे रहा है, देखो कैसे भाई कितना क्यूट है ये, और कुछ नहीं कर सकता भाई, इतना डैमेज दे रहा है और क्या चाहिए जिंदगी में भाई। ऑटर को मरने नहीं देंगे हम लोग बिल्कुल भी भाई, हमारी जान जाए तो जाए लेकिन ऑटर मरना पाए। वो कुछ तो ब्लू लाइट जल रही है, वो ब्लू लाइट ऐसे ही जल नहीं रही होंगी, वहाँ पे कोई ना कोई तो भाई खतरनाक सी चीज़ होगी, उस रीज़न से ब्लू लाइट जल रही है। रुकना गाइस मैं फटाफट से ऐसे थोड़ा मेटल इकट्ठा कर लेता हूँ, ये देख तो नहीं रहा ना मेरे को, चुप्पे से मेटल इकट्ठा कर लेता हूँ मैं यहाँ से, इसके ऊपर उसके बाद बैठूंगा, इसकी हेल्थ बढ़ाऊंगा मैं भाई। ऑर्डर मेरे जिगर का टुकड़ा है भाई, इसको कुछ भी ना होना चाहिए भाई। तेरी इतनी हेल्थ करूंगा ना मैं, इतनी हेल्थ करूंगा
तेरे भाई मैं रुक जा एफएम के वाला, तेरे को ग्रोथ पोशन भी खिलाऊंगा, तेरे को हीलिंग पोशन भी खिलाऊंगा, ठीक है? इसको हीलिंग पोशन भी खिलाऊंगा मैं, वेट पे भी पॉइंट डालूंगा, इसके डैमेज में भी पॉइंट डालूंगा, इसके स्टैमिना में भी पॉइंट डालूंगा, यहाँ पे भी डालूंगा भाई। इतना मूवमेंट स्पीड में डालने की जरूरत नहीं, इसकी मूवमेंट स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है, ठीक है? चलो मैक्स लेवल अभी तक हुआ नहीं, ये तू इम्प्रिंट हो जा भाई, इम्प्रिंट हो जा, लेट्स गो गाइस, अभी मजा आएगा ना भिड़ भाई। ये ऑर्डर से भाई सारी दुनिया हिला देंगे हम लोग। कौन है भाई, कोई दिख रहा है क्या यहाँ पे? डायरेक्टली मार दूंगा उसको, काट कर रख दूंगा यहाँ पे, अगर कोई दिखता भी है तो। यहाँ से नीचे जाना है ऑर्डर। चल भाई बिंदास, कोई टेंशन नहीं है भाई, इसको फॉल डैमेज नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि हम लोग निंजा टेक्निक यूज़ करेंगे। फॉल डैमेज से बचने की निंजा टेक्निक आर्क की पुरानी हमारी। यहाँ से भाई फटाफट से क्रिस्टल उठाता हूँ मैं और देखता हूँ मैंने कौन से टायर का जो है ना गाइस यहाँ पे डायनो टेम करा है। पहले स्पाय ग्लास बना लो मेरे को, इससे थोड़े से सोल बॉल्स वगैरह भी बनाऊंगा मैं, और मुझे अपग्रेड स्टेशन बना के थोड़ा अपग्रेड वगैरह का काम भी कर लेना है। पहले तो स्पाय ग्लास बना लूँ मैं। मेरे ऑटर की हेल्थ कितनी है सबसे पहले ये देखेंगे। 72 मिलियन, वॉट इटर्नल प्राइम वेरियंट टेम कर लिया मैंने। प्राइम वेरिएंट जो है ना गाइस काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। 4 मिलियन का डैमेज आ रहा है बाबा रे बाबा। ये देख रहे हो, ये नॉर्मल वेरिएंट है, एलिमेंटल एलिमेंटल के भाई एक दो टायर ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तब जाके प्राइम वेरिएंट आता है, और वो वाला प्राइम वेरिएंट ही हम लोग ने एपिसोड नंबर 1 पे टेम कर लिया, वो भी ये ऑटरी प्राइम वेरिएंट वाला। ऐसे पैसिव टेम होता है, ठीक है? ये भाई वैसे पैसिव टेम नहीं होता, इसको टेम करने के लिए भी हम लोग को कुछ खिलाना पड़ता है इसको, बट हम लकी थे कि हम लोग ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको भाई फिश खिला के डायरेक्टली टेम कर लिया। भाई मज़ा आ गया, मैंने भाई एकदम बोल सकते हो एंड गेम वाला भाई डायनो टेम कर लिया है। एंड गेम नहीं बट मिड गेम वाला डायनो जो है वो तो मैंने टेम कर लिया है, इतना तो मानना पड़ेगा भाई। स्किन वगैरह दे रहे हैं, रुकना मैं एक और काम करता हूँ यहाँ पे गाइज। ये जो हमारा ऑटर है ना, इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार, कितना मासूम है देखना, इसका चेहरा तो देखो, सच में कितना मासूम है यार ये। ओ ये ले चुम्मी ले तो मिली, कितना फ्लफी फ्लफी, इसको जो पकड़ के वो करने का मन कर रहा है, बिल्ली की तरह लग रहा है भाई, एकदम क्यूट क्यूट। देखो देखो भाई हमारा ऑटर, रुक जाओ एक काम करता हूँ मैं फाउंडेशन बनाता हूँ पहले तो, और इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे अपग्रेड स्टेशन, ओके? देन बढ़ेगा, ये क्या चीज़ है? इटर्नल पिकअप रेलिक नहीं चाहिए, ब्लूप्रिंट स्टेशन, ओके? एंड हम लोग इसको यहाँ पे लगा के, शाइन ऑन तेरा नंबर भी है, रुक जा, शाइन ऑन का नंबर भी आने वाला है बहुत ज़्यादा जल्दी। पहले मैं इसको लगा देता हूँ, मैं अपने टूल्स को सबसे पहले जो है ना कहीं यहाँ पे अपग्रेड करना चाहूँगा, मुझे अपने टूल्स को अपग्रेड करना है, उसके लिए मुझे थोड़ा थैच वगैरह स्टोन वगैरह चाहिए होगा, वो इकट्ठा करता हूँ। एंड यार क्या बना लिया मैंने गलती से, यहाँ पे थोड़ा फाइबर भी मुझे चाहिए होगा, मैं फाइबर भी निकालता हूँ। ये ऑटर जो भी मेरे नज़दीक आएगा ना उसको काट के रख देगा, इतना खतरनाक ऑटर है। शाइन ऑन की हेल्थ कितनी है? 1000 है, सोचो भाई शाइन ऑन की 1000 हेल्थ है और हम लोग को 72 मिलियन हेल्थ वाला डाइनो मिल गया है, वो भी एपिसोड नंबर 1 पे। लग देख रहे हो तुम्हारे भाई का गिंदा ज्यादा सॉलिड भाई चमक रहा है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे मुझे अभी कछुओं को मारने से स्टेगो भी मिले, उनको भी मैं आगे जाके टेम करूंगा, जो कि हम लोग को अनलिमिटेड रिसोर्सेज देंगे, अनलिमिटेड। देखना बस आने वाले एपिसोड में आप लोग, ठीक है? मुझे अभी इसको बस अपग्रेड कर लेना है यहाँ पे जल्दी से जल्दी, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके मुझे इसको अपग्रेड कर लेना है बस, जो अपने टूल्स है उनको, और किसी को भाई इसको भी अपग्रेड कर लो। चलो सिकल बन जाएगी क्या वो भाई? एक एक सिकल बनती है ये वाली सिकल को भी अपग्रेड कर लो। चलो भाई इससे हम लोग को भाई बर्बर के फाइबर मिल जाएगा। इस सिकल को अपग्रेड करने के लिए बस केरेटिन की भाई ज़रूरत पड़ती है, और मेरे पास लक्कीली कछुओं को मारने से काफ़ी ज़्यादा केरेटिन जो है गाइस जो जमा हो चुका है, ठीक है? मैं फटाफट से जो टूल्स हैं हमारे उनको अपग्रेड करने का काम कर रहा हूँ। ये हो गया मैक्स लेवल, ये हो गया मैक्स लेवल, ये भी हो गया मैक्स, और ये भी हो गया मैक्स, ठीक है? अभी इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर डालेंगे सारे के सारे हमारे टूल्स को, एंड इनका हम लोग ब्लूप्रिंट बना लेंगे। इनका ब्लूप्रिंट बनाने के बाद इन टूल्स को क्राफ्ट करने की तैयारी कर लेनी हम लोग को फटाफट से, ठीक है? इसको भी भाई, एंड सिकल जो है गाइस वो आखिरी में भाई यहाँ पे क्राफ्ट कर लूँगा। मेरे पास सिकल, पिकैक्स, टॉर्च और दूसरी चीज़ें आ चुके हैं। वुड चाहिए भाई, वुड की कमी है क्या ना? वुड की कमी है क्या? भर के वुड भाई, एक बटका मारूंगा भर के वुड इकट्ठा हो जाएगा। ये लो भाई, टेंशन ही नहीं है कोई, कोई टेंशन नहीं है, ओके? शायनॉन रुक जा, तेरे को टेम कर रहा हूँ मैं, इतना बीच बीच में नक्को आना रे तू,
ठीक है चलो। अरे यार इसको क्राफ्ट कर लो। डन। यहाँ पे अभी सारी की सारी चीज़ें जो है गाइस वो क्राफ्ट हो चुकी है, हमारे पास ब्लूप्रिंट्स भी आ चुके हैं। इसको यहाँ पे लगाता हूँ, पिकअप 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 फाउंडेशन एंड जो रिसोर्सेज है उसको भी पिकअप कर लेता हूँ। ठीक है अभी गाइस मैं अपने लिए भाई छोटू सा नन्ना सा मुन्ना सा घर बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए होगा काफ़ी ज़्यादा स्टोन और काफ़ी सारा जो है ना गाइस वुड और थैच, वो इकट्ठा कर लेता हूँ मैं। फिर अगले एपिसोड से हम लोग हमारा घर जो है गाइस वो बनाने का काम यहाँ पे कर देंगे शुरू। मजा आने वाला है भाई। इटर्नल में पहली बार स्टार्टिंग में इतना खतरनाक वाला डायनो मेरे को मिला है, मतलब भाई पूरा गेम ही चेंज हो चुका है। अभी स्टार्टिंग में मेरे को कोई टच भी नहीं कर सकता। इसकी मदद से लग रहा है मैं भाई डायरेक्टली जाके स्टार्टिंग वाले जो बॉसेस है ना उनकी भी बैंड बजा सकता हूँ। इतना खतरनाक ऑर्डर मिल गया मेरे को। रुको पहले इसको भाई मुझे तोड़ने दो। स्टोन मुझे काफ़ी सारा चाहिए होगा क्योंकि 100 प्लस फाउंडेशन मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी अपना घर जो है गाइस वो बिल्ड करने के लिए। ऑर्डर तू फॉलो कर मेरे को, आजा। कोई भी अगर मेरे को उंगली करता है तो ऑर्डर उसकी बैंड बजा देगा। ओके मैं यहाँ से 10,000 प्लस मुझे वुड चाहिए। ऑर्डर देखो कैसे भाई कैसे बिल्ली की तरह पीछे पीछे आ रहे। सॉरी गलती से लग गया ऑर्डर मेरे को, ठीक है गलती से लग गया, माफ़ी करो। चलो भाई यहाँ से स्टोन ले लेता हूँ, 20,000 तो स्टोन। अरे यार ये ऑर्डर को गलती से लग रहा भाई, हमारे क्यूट क्यूट से ऑर्डर को गलती से लग रहा है। सॉरी भाई तू बीच में नहीं आना ना ऑर्डर यार, थोड़ा दूर ही रहे। लगेगा भाई लग रहा है तेरे को ऑर्डर को, अनफॉलो ही करता हूँ इसको भाई। नन्नी सी जान को लग रहा है बेचारे को भाई। ठीक है यहाँ से मैं, मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा स्टोन जो है गाइस वो इनफ हो जाना चाहिए हमारा बेस जो है प्यारा सा छोटा सा वो बनाने के लिए। मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग ने शायद से वुड वगैरह इकट्ठा कर लिया है, वो मैंने थैच इकट्ठा नहीं करा है। थैच भी चाहिए होता है हमको काफ़ी सारा, थैच इकट्ठा कर लेता हूँ। रुको 3,000 5,000 10,000 थैच से हमारा काम हो जाएगा। ओके 10,000 थैच इज मोर देन इनफ। 10,000 हो गया भाई, थक गया मैं तो। अभी मुझे फाइबर और चाहिए गाइज, फाइबर भी चाहिए 800 भाई साहब। इस सिकल से फाइबर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। चलो लगभग 20,000 फाइबर जो है गाइस वो इकट्ठा कर लेता हूँ। बाकी अगले एपिसोड में मैं पहले अपना गाइस घर वगैरह जो है गाइस वो बनाऊंगा, उसके बाद सामने जो स्टेगो देख रहे हो उसको टेम करने का काम हम लोग कर लेंगे। ओके शाइनोन वगैरह को भी आने वाले एपिसोड में हम लोग आराम से हल्लो हल्लू करके टेम करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। 20,000 मुझे कम से कम यहाँ पे फाइबर चाहिए। बेसिक से जो सारी चीज़ें हैं ना गाइस वो सारी चीज़ें मैं बना लूँगा। यहाँ पे हमको फार्म भी बनाना है, वो फार्म भी हम लोग जो है ना अगले एपिसोड में बनाएंगे। घर प्लस हमारा जो फार्म है ना गाइस वो भी बना लेंगे हम अगले एपिसोड में। ओके मेरे हिसाब से इतना फाइबर जो है गाइस वो यहाँ पे इनफ हो जाएगा। लेट्स गो। सो गाइस आप बताइए आपको हमारा क्यूट सा ऑटर की मैक्स लेवल कर लेता हूँ गाइस मैं फटाफट से। ठीक है ऑटर के, ऑटर की मैं 100 कर पाऊंगा क्या? भूख लगे यार मेरे को। ऑर्डर तेरे पास? अरे कच्चा मिर्टी है वही खाना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए। रुको एक काम करता हूँ मैं ऑर्डर की जो ना कहीं जल्दी जल्दी यहाँ पे लेवल है। 5 मिलियन डैमेज यार, डैमेज काफ़ी तगड़ा दे रहा है मेरा ऑर्डर। मैं ऑर्डर की लेवल अब मैक्स कर लेता हूँ मैं। रुको आ गई, मुझे अपने क्यूट से ऑर्डर की मैक्स लेवल अप कर लेंगे। 5 मिलियन का डैमेज दे रहा है यार, ये उठाता क्यों नहीं ऑर्डर तू इनको मारने के बाद? अरे यार चश्मे दे रहे भाई, अच्छा हुआ नहीं उठाया। ठीक है बस एक और आखिरी लेवल, मैंने गलती से डैमेज में डाल दिया। मुझे इसके हेल्थ में डाल के 100 मिलियन इसकी हेल्थ करानी थी, बट गलती से मैंने इसके डैमेज में डाल दिया। चलो कोई ना, हम लोग को काफ़ी सारा हाइट जो है वो मिल चुका है। ये क्या कर्स है ना ये डाइनो? ओ स्पॉइलमेंट मिल गया। रुको भाई ये जंप भी मार सकता है आउटर, ये लो जंप एंड शूट। लाड़ में आ रहा है भाई, जंप भी मार सकता है देखो। ये लेट्स गो भाई, जंप मार मार के भूत बना दूंगा सबको। ये लो भाई फ्लायर्स को भी मार सकता हूँ मैं इसे जंप मार के। भाई खतरनाक ऑटर टेम करा यार हम लोगों ने। ये मैक्स लेवल का ऑटर हो चुका है जिसकी हेल्थ जो है गाइस वो है यहाँ पे 82 मिलियन। 1000 लेवल का हमारा ऑटर है और एपिसोड नंबर 1 पे हम लोग को इतना ज़्यादा पावरफुल डायनो मिल चुका है ना गाइस कि मैं आपको क्या बताऊँ भाई। ये डायनो जो है ना गाइस पूरे गेम को यहाँ पे चेंज कर देगा।
इतना ज्यादा खतरनाक गाइस राइड हम लोग को मिला है। चलो अच्छी बात है, आपको हमारा क्यूट सा फ्लॉपी सा ऑर्डर जो है गाइस वो कैसे लगा जरूर नीचे कमेंट करके बताना। बाकी बेस बिल्डिंग वगैरह का काम जो है गाइस वो हम लोग अगले एपिसोड से शुरू कर देंगे यहाँ पे। अभी के लिए आज का जो हमारा एपिसोड है गाइस आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क इटर्नल का, वो जाता है यहीं पे खत्म। मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। It's too late now, I remember you and me, and how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.